माननीय न्यायालय एनजीटी में एक रिट दायर की थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में 13/9/2023 को एक आदेश जारी हुआ था कि वो रीवा जिले ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश के लिए जारी हो गया था कि पहले अनुमति दिया संस्था के द्वारा ही प्राप्त होती थी, अब वह दिया की जगह सिया की एनओसी प्राप्त होगी, सिया के तहत एनओसी प्रदान की जाएगी। साथ में 5 हेक्टेयर की लीज निरस्त कर दी गई थी, 5 हेक्टेयर की जो लीजें थी वो निरस्त कर दी गई थी। उसी के आधार पर आज कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला रीवा द्वारा भी 5 हेक्टेयर की जो लीजें थी, जिसमें शासन ने आदेश किया था, सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्र क्रमांक 5/10/2023 एवं अन्य आदेश के तहत खनिज विभाग रीवा ने 5 हेक्टेयर की जितनी लीजें थी वो निरस्त कर दी गई हैं, समाप्त कर दी गई हैं। इस संदर्भ में आदेश 12/10/2023 को खनिज विभाग रीवा द्वारा प्रसारित कर दिया गया है, यानी इनकी सबकी आईडी बंद कर दी गई। लगभग 100 खदानें रीवा जिले की हैं जो निरस्त कर दी गई हैं। अब जब तक सिया की अनुमति जिनके पास नहीं होगी वो खदानें संचालित नहीं होगी। साथ में माननीय न्यायालय एनजीटी का जब तक आदेश कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक वो खदानें संचालित नहीं होगी। साथ ही यदि जिन खदानों की लीज निरस्त कर दी गई है वह खदानों में वर्तमान में भंडारण है, उनका भंडारण की समाप्त कर दिया जाना चाहिए, भंडारण की कार्रवाई निरस्त कर देना चाहिए। परंतु यदि जब जिनके पास 5 हेक्टेयर की लीज ही समाप्त कर दी गई है उनके पास भंडारण ही कैसे होता, यदि कोई लीज किसी दूसरे की है, लोग दूसरे की लीज लेकर अवैध संचालित करते थे, कृषक संचालित करते थे, अब वर्तमान में जब लीज ही निरस्त हो गई 5 हेक्टेयर की तब भंडारण का कोई औचित्य नहीं, तो उनके खिलाफ यानी अब कृषक बंद रहेंगे। जब तक माननीय न्यायालय के निर्देश नवीन निर्देश नहीं जारी हो जाते हैं तब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, या खनिज विभाग शाखा रीवा द्वारा आदेश प्रसारित किया गया। निश्चित तौर से माननीय न्यायालय में यह प्रकरण विचाराधीन है। यदि 5 हेक्टेयर के लिए निरस्त होने के बाद आईडी बंद होने के बाद यदि वो खदानें चलती हैं या कृषक चलते हैं तो उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय को अवगत कराया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी या होगी।